तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं मसल इम्बैलेंसेस के बारे में। जो भी लड़के लोग नए नए वर्कआउट करते हैं तब उनको ये नहीं पता चलता, पर जब वो थोड़े टाइम वर्कआउट कर लेते हैं तब उनको रियलाइज होता है कि मेरा राइट बाइसेप लेफ्ट वाले से बड़ा है। तो इसी इम्बैलेंस की बात करेंगे हम लोग आज, कैसे होता है, इसको हम लोग सेम कैसे कर सकते हैं। तो वही सबके लिए एंड तक वीडियो देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आप लोग ने करा नहीं हुआ है, तो ऐसी बहुत सारी फिटनेस नॉलेज के लिए। तो इसी के साथ वीडियो में चलते सीधा। तो मसल इम्बैलेंसेस एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज है जो ऑलमोस्ट हर ही लोग के साथ होती है, क्योंकि हम लोग ह्यूमंस है और ह्यूमंस सिंगल आर्म डोमिनेंट होते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी काम करते हैं वो एक हाथ से ज्यादा करते हैं और दूसरे हाथ से बिल्कुल नहीं करते हैं। सपोज आप लिखते हो राइट हैंड से, कोई लिखता है लेफ्ट हैंड से, तो आप राइट हैंड डोमिनेंट हुए और कोई दूसरा बंदा लेफ्ट हैंड डोमिनेंट हुआ। वैसे ही हम लोग दिन के बहुत सारे काम जो करते हैं, मतलब कोई भी चीज उठानी हो, ग्लास में पानी पीना हो, जिस भी हाथ से हम लोग डोमिनेंट होते हैं उस हाथ से करते हैं। तो ऑब्वियसली वो वाला हाथ ऐसे जिम में नहीं पर ऐसे ज्यादा ट्रेन होता है, तो जनरली एक हाथ का यूजेस ज्यादा होता है। और जब आप जिम में भी जाते हो तब आप कोई भी सपोज बारबेल उठा रहे हो, ठीक है, बारबेल ऐसे कर लगाते हो आप, बारबेल तो एक ही है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आप एक हाथ से कितना वजन उठा रहे हो दूसरे हाथ से कितना? इसमें जनरली ऐसा होता है कि आपका एक हाथ ज्यादा एफर्ट लगा रहा होता है और दूसरा थोड़ा कम एफर्ट लगा रहा होता है, क्योंकि आपका डोमिनेंट हैंड ऑलरेडी ज्यादा लोड बेयर कर रहा है। तो ये चीजें काफी नॉर्मल है, ये सिर्फ आपको ही पता चलता होगा कि मिरर में देखने के बाद कि अरे यार, या फिर फोटोज देखने के बाद कि अरे यार मेरा एक भाई से बड़ा है एक छोटा है। तो कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। मेरा भी इम्बेलेंस है, मेरा भाई जो शूट कर रहा है उसका भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। ये बहुत ही जनरल सी चीज है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये मेरे साथ ही हो रहा है, सबके साथ होता है। अब मैं आपको कुछ टेक्निक बताऊंगा या फिर कोई चीजें आपको बताऊंगा जिससे कि आप ये इम्बैलेंस दूर कर सकते हो, या फिर दोनों बाइसेप बैलेंस कैसे कर सकते हो वो चीज बताऊंगा। अगर आप लोग जिम जाते हो तो फिर सिंगल हैंडेड मूवमेंट्स ज्यादा लो, मतलब यूनिलैटरल मूवमेंट जो भी होते हैं, एक हाथ की मूवमेंट एक बार और दूसरे हाथ की मूवमेंट दूसरे बार, वैसा करना शुरू करो। क्योंकि हम लोग अगर डंबल यूज करेंगे तो ऑब्वियसली दो अलग डंबल अलग अलग हाथों में होंगे हमारे, जिसमें कोई भी लोड एक हाथ ज्यादा उठा रहा है उसका कोई चांस ही नहीं होगा, ठीक है। ये एक चीज कर सकते हो। और दूसरी चीज ये कर सकते हो कि एक हाथ को अंडर ट्रेन करो, मतलब जो हाथ आपका ऑलरेडी ज्यादा तगड़ा है, जो हाथ का मसल ऑलरेडी बड़ा है उसको आप अंडर ट्रेन कर सकते हो। तो अगली बार जब आप जिम में जाओगे तो जो वाला हाथ आपका छोटे बाइसेप वाला है उसको आप 10 या 10 से 12 भी कर सकते हो, पर जो वाला हाथ आपका तगड़ा है जिसका बाइसेप ऑलरेडी बड़ा है उसको आप 10 से कम, मतलब 8 या कुछ रेप्स लगा सकते हो, जिससे कि आपका एक हाथ अंडर ट्रेन हो जाएगा। इन शॉर्ट यही है कि अंडर ट्रेनिंग से होता क्या है, जो हाथ आपका ऑलरेडी तगड़ा है उसको ज्यादा तगड़ा बनाने में हम लोग प्रोसेस स्लो कर देते हैं, और जो हाथ आपका छोटा है उसमें सेम रेप्स या ज्यादा रेप्स लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस हाथ की ग्रोथ थोड़ी एनहेंस कर सकते हैं। यही थी आज की वीडियो गाइस। अगर आप लोग होम वर्कआउट भी करते हो तो भी ये सारी चीजें आप डिफर कर सकते हो, बैक कर्ल एक हाथ से ज्यादा करो या ऐसा कुछ करो। जो कंपाउंड मूवमेंट्स है उसमें तो हम लोग इतना डिफरेंस नहीं कर सकते, मतलब जिस मूवमेंट में सारे चीजें एक साथ यूज होते हैं उसमें कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, पर अगर आप कोई भी चीजों को इंडिविजुअली ट्रेन कर सकते हो तो इम्बैलेंसेस वैसे आप कम कर सकते हो या फिर बिल्कुल ही खत्म कर सकते हो। यही थी आज की वीडियो गाइज, आई होप यू गाइज फाउंड इट यूजफुल। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो चैनल को मेरे और सारे वीडियोस देखने के लिए। बेल नोटिफिकेशन हिट कर देना ताकि मेरी कोई भी वीडियोस मिस नहीं हो। अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए पीस आउट।